हाय एवरीवन एंड वेलकम टू रिकैपिंग। सो यार आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट आप लोगों के लिए समय निकाल के आए हैं। थैंक यू सो मच रिद्धिमा, वी हैव रिद्धिमा विद अस। और मैं ज्यादा कुछ ना बताकर रिद्धिमा के पास ही चलते हैं और रिद्धिमा से पूछते हैं कि उनका सीयूटी स्कोर क्या रहा और अभी रिद्धिमा कहाँ पर है। यस रिद्धिमा, Hi everyone, I got all India rank 96 in CUET 2023 and right now I am pursuing mathematics with minors in economics from Lady Shri Ram College, Delhi University. Okay, so Ridhima, LSR अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड होल्ड करता है, राइट? सो वो फैमिली में, रिलेटिव्स में या फ्रेंड्स में भी एक वो प्राउड मोमेंट तो आता होगा ना आपको खुद को लेके भी, और सब भी आसपास सब लोग बड़े प्राउड फील करते होंगे, am I right? Exactly, even I would mention कि जब आप prepare कर रहे हो तो you know people come up and say कि क्यों prepare करना है इतना, like you can get admission anywhere. But when you reach a good college, people actually come to you and ask आपने कैसे किया, and I know many juniors in my contact जो पूछते हैं कि हाँ हम कैसे prepare करें, तो from asking juniors कि preparation कैसे करें to actually telling them, I guess it's a long way. और मतलब मैं LSR के बारे में बताऊं, LSR एक ऐसा कॉलेज है जो कि DU में इस वक्त हाईएस्ट प्लेसमेंट्स जो है निकाल रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द लास्ट ईयर इट वाज 44.44 LP, राइट? दिस ईयर इट्स 49. ओ माय गॉड, 49! मतलब यार यूजी करने के बाद अगर 49 लाख रुपीज पर एनम का आपका पैकेज लग रहा है तो आप खुद सोचो कि वो कॉलेज कहाँ जा रहा है। मतलब श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स को भी बीट करते हुए जो है हमारी जो वुमेन्स है वो आगे बढ़ रही है। आई एम सुपर प्राउड यार, मतलब सच में अच्छा हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो रहा है। सो ऑफ कोर्स यार रिद्धिमा, मतलब वो स्कूल से LSR का जो सफर है उस बीच में जो है काफी अप्स एंड डाउन्स एज अ स्टूडेंट रहते हैं, बहुत सारे डाउट्स खुद को लेकर रहते हैं, प्रिपरेशन को लेकर रहते हैं, और इनफैक्ट जिस तरीके से CUET NTA कंडक्ट कराता है विद फुल ऑफ ग्लिचेस उसके अंदर, तो मतलब क्या ही कहना। तो वो क्या था, कैसे प्रिपेयर करना हमने स्टार्ट किया, कब से हमने स्टार्ट किया, इसके ऊपर पहले बात करना चाहेंगे। सो कैसे फिर आई विल स्टार्ट विद सी, फॉर बिगिनिंग ऑफ 12th बहुत चीजें क्लियर हो गई थी लुकिंग एट द सीनियर बैच कि अब एक एंट्रेंस तो देना पड़ेगा, सिर्फ बोर्ड्स के अच्छे मार्क्स वोंट टेक यू एनीवेयर। बट एक चीज और भी होती है पैरेलली, बिकॉज यू नेवर नो, एक ही बैच गए तो आपको वो चीज में लेकर चल रहे थे हम लोग कि बाई चांस हो सकता है कि अभी भी देर आर चांसेस दे विल नॉट गो फॉर CUET, दे विल कंसिडर बोर्ड मार्क्स या 50-50% ले लें, क्योंकि इट वॉज अ वेरी न्यू थिंग। तो हैविंग एवरीथिंग इन माइंड आई वॉज लाइक कि दोनों चीजों को पैरेलली लेके चलते हैं, लेट्स कीप CUET एंड लेट्स कीप द बोर्ड्स पैरेलली। एंड इन फैक्ट आई वॉज नॉट ओनली गोइंग आफ्टर CUET, आई वॉन्टेड टू गो फॉर IPMAT एंड सम अदर एंट्रेंसेस ताकि आप अपना ऑप्शन ओपन रखो, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू डोंट नो कि आपका वो जो एग्जाम वाला दिन है उस पर आपका माइंड सेट कैसा होगा, आपका एग्जाम पेपर शिफ्ट कैसा आएगा। बिकॉज हमारे सीनियर बैचेस ना बहुत चीजें ऐसी थी कि एक का पेपर लेवल इतना आ रहा है तो दूसरे का उतना हाई पे जा रहा है, तो उस चीज को नॉर्मलाइजेशन है, बट नॉर्मलाइजेशन मेक्स इट मोर अनसर्टेन क्योंकि आपको नहीं पता आपका 200 का स्कोर हो सकता है 190 में भी आ जाए, एंड इतना डिफरेंस विल मेक यू लैंड फ्रॉम SRCC से लेके टीयर 2 टीयर 3 के कॉलेज में। So that's a very big thing जो NTA करता है। तो keeping all those things in mind, I started with basic prep कि अभी English और GT से start करते हैं, because that is something जो बहुत neutral है और उसका 12th के syllabus से there's no relation। उसके बाद when थोड़ा सा syllabus gear up हुआ हम लोग का, जब unit test हो जाते school में around May, उसके बाद अच्छा खासा जून का गैप आता है, तो आई स्टार्टेड विद बेसिक MCQ जितना सिलेबस हो गया टू टेस्ट कि मेरा कंसेप्चुअली कितना क्लियर है, बिकॉज एंड ऑफ द डे CUET आपका कंसेप्ट चेक कर रहा है। सो रिद्धिमा, वो मंथ कौन सा था जब हम CUET के लिए बिल्कुल स्टार्ट हो गए थे प्रिपेयर करना? अगर बिल्कुल मतलब बिल्कुल फोकस होके अगर मैं स्टार्ट होने की बात करूँ, आई गेस पोस्ट मिड टर्म, जब एक बहुत अच्छा मार्जिन ऑफ सिलेबस कवर हो जाता है। बट इंग्लिश और GT मैंने बहुत पहले शुरू किया था बिफोर स्टार्टिंग बाकी सारा सिलेबस, बिकॉज वन इंग्लिश आउट ऑफ टच हो जाता पूरा 11th में। 10th तक ग्रामर पढ़ी थी, बट उस लेवल पे आप नहीं पढ़ते हो कि आप एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे होते हो। सेकेंडली आप अपना अनसीन पैसेजेस रीडिंग्स इतना अच्छा नहीं रखते हो, तो उसको आई स्टार्टेड वेल इन टाइम, बिकॉज हर एंट्रेंस आपका इंग्लिश GT मैथ्स टेस्ट करेगा ही करेगा, तो आई स्टार्टेड इंग्लिश GT एंड मैथ्स थोड़ा सा टाइमली। ओके ओके, तो और बाकी हम कौन सी स्ट्रीम हमारे पास क्लास 12th के अंदर था? कॉमर्स विद मास, राइट? तो अभी लाइक रिद्धिमा,
बहुत सारा बच्चा होगा जो कि बिल्कुल बोर्ड्स के बाद अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा, और इनफैक्ट ये हर साल होता ही है, बच्चे मैक्सिमम बच्चा जो है वो बोर्ड्स के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, क्योंकि एक वो काफ़ी टाइम से एक चीज़ चलती हुई आती है कि सबसे पहले आप बोर्ड पे फोकस करो, बोर्ड पे फोकस करो। सो बच्चे यूजुअली वही करते हैं। तो 40-45 डेज में एक स्टूडेंट की क्या अप्रोच होनी चाहिए कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कि वो अकाउंट, बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज हम चलेंगे, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, देन बिजनेस स्टडीज की बात करेंगे, फिर मैथ्स पे आएंगे, फिर अपना जीटी वगैरह की बात करेंगे। तो अगर मैं अकाउंट्स की बात करूं, तो लाइक लेट से अभी बच्चा अभी से स्टार्ट करता है, उसके पास 45 डेज है, क्या अप्रोच अगर रिदिमा इस स्टेज में होती तो क्या करते? आई थिंक अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ, ऑल दो आई स्टार्टेड मिड टर्म्स के बाद थोड़ा बहुत टू स्टार्ट विद एमसीक्यूज एंड एवरीथिंग, मेजर प्रिपरेशन आपकी आपके बोर्ड्स के बाद भी होती है, बिकॉज आपका बोर्ड्स और वो अलग अलग नहीं है, आपका बोर्ड्स का आपने सिलेबस किया, दैट मीन्स आपने कंसेप्ट बहुत अच्छे से किए हैं उस चैप्टर्स के, तो जितना आपका सिलेबस हो जाता है स्टार्ट विद देयर एमसीक्यूज, दैट्स व्हाट आई डिड। मेरे जब बोर्ड्स, आई रिमेम्बर मेरा 31 मार्च को लास्ट बोर्ड एग्जाम था, एंड 2nd 3rd अप्रैल से आई स्टार्टेड विद माई सीयूटी का प्रेप, एक दो दिन चाहिए होता है खुद को भी रेस्ट करने के लिए, सो आई स्टार्टेड माई प्रेप 2nd 3rd अप्रैल से, एंड देन आई स्टार्टेड जितना सिलेबस हो गया एक बार 10 डेज दो उसको अच्छे से रिवाइज कर लो, उसके एमसीक्यूज करके देख लो कि आपके कौन कौन से टॉपिक्स वीक है। नाउ हमारे बैच में एक चीज और भी थी कि कुछ टॉपिक्स डिलीटेड है एक चैप्टर से, कुछ चैप्टर्स एज अ होल डिलीटेड है, जैसे अगर मैं अकाउंट्स की स्पेसिफिक बात करूँ तो अकाउंट्स में एनपीओ पूरा डिलीटेड था, बट वो सीयूटी में आएगा, सीयूटी इज गोना टेस्ट अबाउट इट, तो वो चैप्टर्स भी करने हैं बैठ के, बट जितना कर रखा है एटलीस्ट उसको तो हम पहले अच्छे से प्रिपेयर करें। तो 10-15 डेज देके मैंने उसको अच्छे से किया ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि मेरा 60-70% प्रिपरेशन है, ऐसा ही नहीं है कि बिल्कुल जीरो पे खड़े हैं। तो दैट्स व्हाट आई से हर सब्जेक्ट के लिए करूँ। देन वंस यू आर डन विद दैट, आपका एक बार बेसिक सारा रिवाइज हो गया, सिंस अभी आपने बोर्ड्स दिए हैं तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं उनको रिवाइज करने में भी, करेक्ट, आपका बेसिक रिवाइज हो गया, एक बार एमसीक्यूज दे दिए, उसके बाद स्टार्ट विद जो चैप्टर्स आपके रह गए हैं, जैसे अकाउंट्स में एनपीओ रह गया था, डिबेंचर्स की मेजर डिबेंचर्स वाला एक चैप्टर था वो रह गया था, उसके बाद कई देर आर टू पार्ट्स, कई स्कूल्स में हमारे में कंप्यूटराइज अकाउंटिंग वाला पार्ट था ही नहीं, तो वो पार्ट ले लिया, इन सब चैप्टर्स को धीरे धीरे करके कर लो, बिकॉज 1 month इज मोर देन सफिशियंट, क्योंकि आप इस टाइम गियर अप में हो मोड में, क्योंकि आपको करना है करें। तो आप कर लोगे, हर दिन बैठ के थोड़ा थोड़ा करते जाओ इन चैप्टर्स के, डोंट डू लाइक कि जैसे पूरे ही करने बैठ गए, बिकॉज एनपीओ में अगर आप पहले वाले क्वेश्चन देखोगे जितने पास्ट ईयर में, वो बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन तक जा ही नहीं रहे, तो इतना जाना ही नहीं है हमें, तो उन चैप्टर्स के जो चैप्टर्स रह गए हैं उनको बिल्कुल ऐसे मत करो कि स्टार्ट करके 100 तक लेके जाना है, जस्ट सी कि उनके क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं, उस क्वेश्चन के पैटर्न पे जाके पढ़ो उन चैप्टर्स को, और हमारे पास सिंस एंड ऑफ द डे एग्जाम में 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर आउट ऑफ वे जाके आपने जो चैप्टर बिल्कुल एंड में पढ़े हैं उनमें से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ भी जाता है, तो यू हैव एन ऑप्शन टू लीव देम, क्योंकि जितना आता है दैट्स व्हाई आई अगेन एंड अगेन से, जितना आता है उतना अच्छे से जरूर पढ़ो। करेक्ट करेक्ट, ये बहुत अच्छी अप्रोच जो है वो रिद्धमा ने हमारे साथ शेयर की है। इनफैक्ट मैं भी बच्चों को ये चीज़ रिकमेंड करूंगा कि अभी बोर्ड्स के अंदर हम जो है वो बहुत डिस्क्रिप्टिव तरीके से पढ़ाई कर रहे होते हैं, यहाँ हमें एमसीक्यूज जो है वो करने होते हैं, तो अगर आपका कोई भी चैप्टर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो पैरेलली उसके साथ अगर आप उसके एमसीक्यूज कर रहे हो, सो रिद्धमा यहाँ मैं जानना चाहूंगा आपका सोर्स क्या था जो आप एमसीक्यूज सॉल्व करते थे? एग्जैक्टली, तो सोर्स में सब्जेक्ट वाइज इफ आई टॉक अबाउट अकाउंटेंसी में 1 DK गोल में बहुत सारे एमसीक्यूज हैं, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने वो सेम एमसीक्यू सेम डिजिट अपने पेपर में भी देखे हैं, तो इट्स नॉट कि आपको बुक चेंज करने की नीड है, आप एक बार डीके गोयल करो, टीएस ग्रेवाल करो, उनमें बहुत एमसीक्यूज है, एंड एमसीक्यूज अगर कर भी रहे हो टाइम लिमिट के साथ करो, डोंट से कि मैंने आज पार्टनरशिप के अभी एमसीक्यूज लेके बैठे हैं, अगर डीके गोयल में 120 है तो उसको ट्राई करो 120 मिनट्स में करना, दैट्स हाउ यू गो अबाउट इट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बट टीएस ग्रेवाल उठा लो, उसमें बहुत सारे एमसीक्यूज मिल जाएंगे। आफ्टर यू आर डन विद योर स्टैंडर्ड बुक्स, देन मूव ऑन टू जो आपके पास मॉक पेपर है, आज के सीनियर्स उनके पास बहुत डेटाबेसेस होते हैं, जैसे आज के सीनियर्स, आई हैड सीनियर्स इन माय स्कूल हु स्कोर्ड गुड, हु गॉट गुड रैंक्स, उनके पेपर्स उठा लो, उसको सॉल्व करो एंड उसको प्रॉपर टाइम लिमिट में करो, वंस यू आर डन विद दैट पेपर उसको अच्छे से एनालाइज करो, यू विल फिगर आउट कि आपकी मिस्टेक्स क्या है, एंड देन मूव ऑन टू, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइन फ्री रिसोर्सेज मिल जाएंगे, उनसे आप कर सकते हो, और अदरवाइज आई पर्सनली आल्सो रेफर टू अरिहंत का सीयूटी सैंपल बुक था फॉर प्रैक्टिस।
ओके ओके सो अरिहंत का जो है रिद्धिमा ने अभी कहा है कि बच्चे सॉल्व कर सकते हैं और बाकी काफी सारे फ्री रिसोर्सेज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं। सो रिद्धिमा, अगर कोई एग्जैक्टली एक आधा फ्री रिसोर्स माइंड में भी अभी आ रहा हो जो बच्चे यूज कर सके, कोई वेबसाइट कुछ भी? आई थिंक देयर आर मेनी वेबसाइट्स जिसमें एग्जैक्टली आपको वही स्क्रीन पे मिल जाएगा. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सुपर ग्रेड की वेबसाइट पर देयर वर ओके सेवन एट मॉक पेपर जो एग्जैक्टली वही आपको स्क्रीन पे प्रोवाइड करें विच यू आर गोना सी ऑन अ टेस्ट डे. तो आपको टेस्ट डे पर नया सा स्क्रीन नहीं लगेगा, लाइक रिव्यू क्वेश्चन, रिव्यू एंड कम लेटर वाले वो सारे ऑप्शन आते हैं. तो उसमें भी एक बार फॉर्मेट में प्रैक्टिस करके जरूर जाओ. करेक्ट करेक्ट सो यार ये बहुत अच्छा ना रिद्धिमा ने बताया, और मैं इनफैक्ट इसमें एक चीज ऐड करूंगा। रिद्धिमा, बच्चों को पता है क्या लगता है कि अगर कोई मॉक टेस्ट फ्री अवेलेबल है ना, तो उसकी उतनी वैल्यू होगी नहीं। सो मैं उसकी पर्सनली, बहुत ज्यादा वैल्यू है. क्योंकि मैं खुद भी जो है देखो जो है कंपनी रन कर रहा हूँ, सो मैं आपको बहुत इंटरनल एक चीज बता रहा हूँ, जब किसी कंपनी को कोई बच्चा लेना होता है ना, तो वो फ्री रिसोर्सेज दिखाते हैं अपने, और वो फ्री रिसोर्सेज में बहुत मेहनत करते हैं। अगर मैं भी मेरी वेबसाइट पे कल को कोई मॉक टेस्ट डालूंगा, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि उस मॉक टेस्ट के अंदर कोई भी एरर हो। मैं बिल्कुल चाहूंगा कि वो एग्जैक्ट जो है वो पेपर के पैटर्न पे हो। सो जितना फ्री रिसोर्स बच्चों को मिल सकता है ना, वो उतना यूटिलाइज करो, उतने मॉक टेस्ट आप लोग दो, वो बेस्ट मॉक्स आप लोगों के लिए जो है वो होते हैं। तो ये तो बहुत अच्छा। इनफैक्ट इनफैक्ट देयर इज अ फन फैक्ट कि सिंस सीबीटी अभी नया नया, सब कंपनीज जितनी भी एडटेक कंपनीज आर गोइंग टुवर्ड्स कि हमें एक स्टूडेंट बेस चाहिए. सो ऑल्दो दिस वीडियो इज ऑल्सो कम अप ऑन एडटेक प्लेटफॉर्म, आई विल से कि जितने भी एडटेक प्लेटफॉर्म है सब आपको 5-6 पेपर्स अपने फ्री में रिलीज करते हैं हर साल. बिल्कुल एंड व्हाट इज द बिल्कुल, हार्म टू गो अहेड अबाउट दोज पेपर्स. मतलब एक बच्चा अगर 7-8 कंपनीज भी देख लेगा, सो उसका तो सीयूटी का प्रिपरेशन फ्री में हो जाएगा भाई। वो बस वही बात है कि थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि हर एक कंपनी तो फ्री रिसोर्सेज दे ही रही है, बट वही है ना, बच्चों को तो बस वही है कि पे करना है तभी वो थोड़ा संतुष्टि मिलता है, फ्री की चीजों की तो वैल्यू होती ही नहीं। एनीवेज, अभी अभी हम जरा इकोनॉमिक्स की बात करते हैं रिद्धिमा। सो इकोनॉमिक्स में क्या रिसोर्सेज बच्चा यूज कर सकता है? इको के लिए ऐसे स्टार्टेड विद संदीप गर्ग के एमसीक्यूज उठा लो. बहुत बेसिक कंसेप्चुअल वही स्टैंडर्ड बुक से ही निकल के आएगा जो हम थ्रू आउट ईयर रेफर करते हैं. तो मेरे पास संदीप गर्ग थी और उसके बाद आई वुड से आईईडी के लिए एनसीईआरटी बहुत डेप्थ में रेफर करूँ बिकॉज बहुत सारी बुक्स हैं जो डेटा आगे पीछे करके प्रिंट करती है. बट एनसीईआरटी का डेटा इज द डेटा जो एंड ऑफ द डे आपको सिर्फ सीबीएसई और उसमें अपना सीबीटी में हेल्प आउट करेगा. नो अदर डेटा इज गोना बी कंसिडर्ड. करेक्ट तो एक तो करेक्ट, वो आईडी को बहुत ज्यादा एनसीईआरटी लेके रेफर करो सिंस मैक्रो में यू वोंट फाइंड मेनी गुड थिंग्स. एक बार के लिए मैक्रो भी रीड कर सकते हो बट रेफर प्रॉपर स्टैंडर्ड बुक्स फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो आई पर्सनली रेफर संदीप गर्ग. वंस आई वाज डन विद द बोर्ड्स एंड वंस आई वाज डन विद माय रिवीजन आई स्टार्टेड विद वही सेम वे में संदीप गर्ग के एमसीक्यूज उठा लिए. देन देयर वाज अनदर बुक राधा बोगना, उसके एमसीक्यूज बहुत अच्छे हैं वो कर सकते हैं. एंड देन मूव ऑन टू पास्ट ईयर पेपर. नाउ एक बहुत सिंपल चीज जो पास्ट ईयर में मैंने ऑब्जर्व करी थी कि पास्ट ईयर आपको बहुत ज्यादा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछता इको में. इस गोनो आज के बहुत छोटी छोटी कंसेप्चुअल चीजें जैसे देयर वाज अ क्वेश्चन कि इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और प्रोडक्ट मेथड से हमें सेम रिजल्ट क्यों मिलता. एंड देयर वर थ्री ऑप्शन जो तीनों बहुत कंसेप्चुअल चीजों पर थे. तो थिंग इज द मोर यू रेड इन यू हैव रेड इन डेप्थ फॉर मैक्रो द बेटर यू विल स्कोर इन योर एग्जाम. अनदर थिंग फॉर इको इज माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी मेजर पोर्शन आता है. आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम और वो सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी टेस्ट होता है. तो गो बैक टू 11th अभी ही करना पड़ेगा सिंस हमने अभी कोई प्रेप करी नहीं है मेजर. 11th भी हम वापस माइक्रो अपनी जो भी स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करी थी या जो नोट्स फॉलो किए थे 11th में सिंस यू हैव डन दैट वही उठाओगे. So you'll take lesser time rather than starting with a new resource. Mera personally micro macro dono 12th mein 11th 12th mein was through Sandeep Gill. So I referred to them again. Uske baad again go to the mocks, go to the last year ka paper and then the mocks. Mocks again jitne bhi free resources milte hain sabke mocks kar lo. And there is one more thing. Jitne bhi free mocks milte hain uske saath aapko answer keys bhi milti hain. And there are many platforms on you know YouTube and all जिन्होंने अपने फ्री मॉक्स के एनालिसिस भी डाले हुए हैं. तो उनको भी सुन लो बिकॉज दे हैव गिवन एक्सप्लेनेशंस एज वेल कि इसका आंसर ऐसे क्यों आया. करेक्ट एंड करेक्ट एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज अपने 20-30 मॉक्स लगाए हैं कि नहीं. करेक्ट, मैं इनफैक्ट हमेशा से बच्चों को यही बोलता हूँ कि एग्जाम वाले दिन ना कुछ अलग से चमत्कार नहीं होते। मैंने अभी जितने भी बच्चों से बात की है,
मतलब हाँ, बच्चों को लगता है कि एग्जाम वाले दिन माइंड जो अलग से परफॉर्म करेगा, ऐसा नहीं है भाई। डे वन से आप जैसा उसको ट्रेन करोगे वो एग्जाम वाले दिन भी वैसा ही परफॉर्म करेगा। तो अगर आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी के मसल्स को आदत नहीं है 1 घंटा बैठकर ऑनलाइन स्क्रीन पर देखकर क्वेश्चंस सॉल्व करने की, तो जाहिर सी बात है एग्जाम वाले दिन आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो मॉक टेस्ट एक ऐसी चीज है जो कि आपके टाइम मैनेजमेंट तो बनाती ही बनाती है, प्लस एक बॉडी को आदत भी देती है, ब्रेन को आदत भी देती है, जिससे हमें चीजें कुछ नई नहीं लगते बिल्कुल एग्जाम वाले दिन। तो मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट सीखना ये एक अलग चीज है, और उस कॉन्सेप्ट को टाइम फ्रेम के अंदर इंप्लीमेंट करना मॉक टेस्ट के अंदर, वो एक अलग जो है चीज है। क्योंकि अभी इनफैक्ट मैं स्टूडेंट्स को ये कहूंगा, रिद्धिमा शायद आप भी इस चीज से रिलेट कर पाओ, कि एक क्वेश्चन बिना टाइमर के साथ अगर हम सॉल्व कर रहे हैं वो हो जा रहा है, सेम क्वेश्चन अगर टाइमर भी चल रहा होगा ना वो टाइम प्रेशर के के साथ नहीं अंदर होगा। नहीं हो पाता, वो टाइमर जो वो प्रेशर इतना ज्यादा डाल देता है। तो टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मॉक टेस्ट आप लोगों को देने चाहिए, और इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा चैप्टर एक बार कंप्लीट हो रहा है उसी चैप्टर के ऊपर आपको टॉपिक वाइज जो है चैप्टर वाइज ही मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो आप वो क्वेश्चंस की जो है वो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट की, देन फुल लेंथ आपका जैसे जैसे सिलेबस होता जा रहा है फुल लेंथ आप जो है फिर उसकी तरफ आप आगे अप्रोच करते रहो। देन उसके बाद हाँ इनफैक्ट जी फॉर या जस्ट वन मोर थिंग आई वुड ऐड, इनफैक्ट आफ्टर एग्जाम्स मेरे काफी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने एक चीज और बोली थी। हम लोग के जब एडमिट कार्ड रिलीज होता है ना, वो हमारे पास एडमिट कार्ड 1 वीक पहले आ जाता है। हमें पता होता है हमारा टेस्ट कौन से स्लॉट में और कितने पेपर्स एक साथ है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा अगर अकाउंट्स BST ECO एक साथ है तो मेरे को 3 घंटे बैठना है, 1 घंटा नहीं बैठना है। करेक्ट नाउ वन थिंग इज, पीपल सेड कि उनका इवनिंग शिफ्ट आया और इवनिंग में तो हम लोग सो जाते हैं, तो ब्रेन तो स्लीपी माइंड में है, वो क्लॉक उस टाइम से चल रही है। सेकेंड थिंग जो इशू उनको आया कि हम लोग 1 घंटा तो बैठ के पेपर कर लेते हैं, बट हमें तो 3 घंटे बैठना था, बिकॉज अगर आपका 3 पेपर एक साथ है 1 घंटा खत्म होगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली सेकंड पेपर पे, ऑटोमेटिकली थर्ड पेपर पे शिफ्ट करेगा। करेक्ट करेक्ट तो अगर आपका एडमिट कार्ड 1 वीक पहले आ रहा है, तो एक हफ्ते में अपनी बॉडी को उतना मतलब अकस्टम कर दो कि तुम 3 घंटे बैठ सकते हो वन, एंड उस टाइम पे बैठ के 3 घंटे के मॉक्स जरूर देना। ये तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रिद्धिमा ने आपको बताई है, वही वाली बात है, ब्रेन को बस ट्रेन करना है। तो एक बार अगर आपको पता चल गया कि भाई मेरे स्लॉट के अंदर 3 एग्जाम्स हैं, लेट्स से 2 एग्जाम्स और वो इस टाइम फ्रेम के अंदर पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे ही प्रैक्टिस हमें करना है, कहीं वो हमारा स्लीपिंग वाला टाइम, और वहां पे तो फिर जाहिर सी बात है उबासी ही आएंगी बैठ के, और फिर होगा क्या एग्जाम सेंटर के अंदर, माइंड तो वर्क करेगा नहीं, क्योंकि उससे पहले तो माइंड ने उस टाइम पे वर्क किया ही नहीं ना, तो जाहिर सी बात है। देन उसके बाद अगर मैं रिद्धिमा BST के लिए जाना चाहूँ, सो बच्चा क्या रिसोर्सेज BST के लिए उठा सकता है? आई थिंक BST में सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपना NCERT जितना अच्छे से कर सकते हो उतना अच्छे से कर लो, बिकॉज BST का पूरा पेपर A to Z पेपर, बाकी सब्जेक्ट्स के लिए आई कैन स्टिल से कि आपको और रिसोर्सेज प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, मैक्रो के लिए, अकाउंट्स के लेवल से कि हाँ आपको DKB पढ़नी पड़ेगी, आप NCERT पढ़ के कुछ नहीं होगा। BST इज द सब्जेक्ट जहाँ पे ऐसे सिर्फ आपने NCERT अच्छे से कर रखी है ना, यू विल गेट 200 on 200, कुछ और चीज की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज बहुत छोटी छोटी लाइन से MCQ से उठा के पूछ लेते हैं। MCQ पूछा हुआ है व्हाट इज स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, 90% बच्चे मेरे को आके मेरे फ्रेंड्स बोल रहे यार स्पैन ऑफ मैनेजमेंट था ही नहीं NCERT में, लाइक था NCERT का ही कीवर्ड है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो पूछा हुआ है। सो वैसे ही छोटी छोटी चीजें उठा के पूछते हैं BST में, देयर इज नथिंग न्यू दैट इज गोना टर्न अप। तो BST का तो आई से NCERT दिन रात, दिन में एक बार पढ़ लो, रात में एक बार पढ़ लो, ऐसे करके चलो BST के लिए। तो दैट्स व्हाट आई आल्सो डिड, कि रोज एक चैप्टर उठा के पढ़ लिया। ऑल्दो वो चैप्टर्स हम लोगों ने CBSE में पढ़े हुए, ऑल दो वो चैप्टर्स अभी बोर्ड्स में पढ़े, फिर भी दोबारा पढ़ लो, बिकॉज एवरी टाइम यू रीड यू विल फाइंड सम न्यू थिंग कमिंग अप। सेकेंडली BST के NCERT बेस्ड जितने MCQs तो मिल रहे हैं उतने कर लो। पूनम गांधी इज अ वेरी गुड बुक, वो बुक हम लोग 12th CBSE के लिए भी रेफर करते हैं, उसके बाद उसके एक बार MCQs रेफर कर लो, एंड देन अगेन कम टू वही वाला साइकिल रिपीट करो। अपने सीनियर्स के पेपर्स उठाओ, 2 साल के पेपर जब आप लोगों के पास हो उनको उठाओ, और ट्राई कि आस्क डिफरेंट सीनियर्स, बिकॉज अगर मेरे पास मेरी शिफ्ट के पेपर है, हो सकता है वन ऑफ माय फ्रेंड्स विल हैव उनकी शिफ्ट का पेपर, देन कंपेयर की लेवल ऑफ डिफिकल्टी में कितना डिफरेंस है, और फिर वो भी करो बैठ के, बिकॉज द मोर पेपर्स यू सी पास्ट में एक्चुअल में कैसे आए हैं, द बेटर यू रियलाइज की हाँ आपकी प्रिपरेशन कितनी है, एंड देन अगेन शिफ्टिंग टू मॉक्स। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बहुत सही। एंड देन अगर मैं इसी के साथ मैथ्स का भी बच्चे से पूछूंगा, इनफैक्ट BST के लिए तो मैं एक 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 बात कहना चाहूंगा, हम तो BST के लिए ना एक एक टैग लाइन ऐसे कहते हैं कि NCERT है खास, बाकी सब बकवास।
और मतलब मैंने जितने भी बच्चों से मैंने बिजनेस स्टडीज के लिए पूछा, सबने सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही बोला है। तो यार प्लीज बीएसटी के लिए तो आप एनसीईआरटी जरूर रेफर कीजिएगा। ये श्रद्धिमा, अभी अगर हम मैथ्स की बात करते हैं, सो कैसे अप्रोच बच्चा कर सकता है मैथ्स के लिए? आई थिंक मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मेरे को जितने बच्चे बताओ ना, मेरे बैच में, इवन एलएसआर में भी है, दे ऑल से वन थिंग कि हम लोगों ने, अगर हमारा इकोनॉमिक्स में स्कोर डाउन गया है, इट वाज बिकॉज ऑफ मैथ्स. क्योंकि हम लोग पूरा साल कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग पूरा साल अकाउंट्स पढ़ते हैं, बीएससी पढ़ते हैं, मैथ्स सिर्फ एनसीईआरटी रेफर पे कर लेते हैं. सो दैट्स ऐसे कि उस लेवल पे जाके हमें मैथ्स अब रेफर करना पड़ेगा. 1.5 मंथ इज मोर देन इनफ इफ योर बेसिक्स आर क्लियर. अगर बेसिक्स भी नहीं क्लियर है ना मैथ्स के, पूरा 12th में अगर नहीं हुए, अभी भी बहुत टाइम है. स्टार्ट विद योर बेसिक्स, स्टार्ट विद योर एनसीईआरटी. बट सिर्फ एनसीईआरटी वोंट टेक यू टू सीबीटी लेवल, दैट इज समथिंग यू हैव टू अग्री ऑन. अभी अगर इफ यू आर, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है, एनसीईआरटी तक का लेवल क्लियर है, आई विल सजेस्ट गो अहेड एंड डू लिटिल लेवल ऑफ जेईई मेंस. दैट्स वन ऑफ द थिंग्स, बिकॉज आपको वहां से ट्रिक्स मिल जाती है, आपको वहां से फॉर्मूलाज मिल जाते हैं. बिकॉज देयर आर मेनी क्वेश्चंस जो आएंगे आपके पेपर में, उसका आपने सीबीएसई में एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, उस फॉर्मूला से आप चलोगे इंटीग्रेशन में, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, वहां से आपको टाइम लगेगा, उतना टाइम आपके पास नहीं है. सेकेंडली मैथ्स का पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट है, आपके 15 कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं, एंड वो कंपल्सरी क्वेश्चंस में पीपल एंड अप स्पेंडिंग सो मच ऑफ टाइम कि वो कंपल्सरी क्वेश्चंस ही करते रह जाएंगे और वो अगला सेक्शन छूट जाता है, जिसमें हमारे पास एक्चुअल में चॉइस है, जिसमें हम एक्चुअली स्कोर भी कर सकते हैं. तो वन, मैथ्स में मॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके, क्योंकि आपको टाइम मैनेज करना सीखना एंड ऑफ द डे. सेकेंडली आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक्स पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड टाइम देना पड़ेगा, रोज का 2-2 घंटा भी दोगे, वो शॉर्ट ट्रिक्स हर चैप्टर की करते जाओ एंड स्टार्ट मेकिंग फॉर्मूला शीट्स पे, क्योंकि हाँ इस ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहा है तो ये फॉर्मूला है, इसकी ये शॉर्टर ट्रिक है और इसका एक एग्जाम्पल कर लो, ताकि वंस यू आर गिविंग योर मॉक्स यू आर रियलाइजिंग कि हाँ मेरे को इस चैप्टर के इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई स्टार्टेड विद मॉक्स मैथ्स में, तो मेरे को ये रियलाइज हुआ मेरे को इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने में बाकी चैप्टर से ज्यादा टाइम लग रहा है. तो व्हाट आई डिड, आई वेंट टू बहुत बेसिक बेसिक जेईई मेंस का, ऐसा नहीं प्रॉपर जेईई मेंस का लेवल करना है, बेसिक जेईई मेंस के वीडियोस देख लो, बहुत अच्छे नेट पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, जिन्होंने एक ही वीडियो में एक एक चैप्टर के शॉर्ट वन शॉर्ट से रखे हैं, कंसेप्ट्स एंड ट्रिक्स हैं उसमें, वो कर लो. देन आई मेड माई प्रॉपर नोट्स कि हाँ ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहा है तो ये ट्रिक लगानी है, वो लंबा वाला मेथड नहीं करना है इसमें, डू रेफर दोज थिंग्स. देन वंस यू आर डन, उसके बाद आरडी शर्मा के बहुत अच्छे एमसीक्यूज हैं उसमें पीछे गिवन, वो रेफर कर सकते हो. अदरवाइज इफ यू आर फॉलोइंग एनी अदर बुक उसके रेफर कर लो एंड डू दोज क्वेश्चन, उसके बाद देखो कि आपका स्पीड बन रही है नहीं बन रही. मैथ्स इज वन सब्जेक्ट एकदम पूरा साल निग्लेक्ट करते हैं, दूसरा उसके हम ट्रिक्स नहीं रेफर करते हैं उतना, तो वो चीज है बहुत इंपॉर्टेंट. क्योंकि मैथ्स में एंड ऑफ द डे अकाउंट में स्टिल आई कैन से कि हाँ आपके पास 3 या 4 क्वेश्चन थ्योरी के आ जाएंगे, आपसे पूछ सकते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है व्हाट्स गोना बी इंटरेस्ट, बट एंड ऑफ द डे मैथ्स में आपसे कोई थ्योरी नहीं पूछेगा, आपसे टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड है, टोटल कैलकुलेटिव पेपर है, तो उसमें स्पीड बहुत बनानी पड़ेगी. अगर आप बाकी सब्जेक्ट्स में 15 पेपर सॉल्व कर रहे हो, मैथ्स में आपको 21-22 पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही है. और इसके बाद अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं, क्योंकि ये तो एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है जो कि यूजुअली बच्चा 12th स्टैंडर्ड में उतना नहीं पढ़ता है, ठीक है, 9-10 तक ग्रामर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं बट उसके बाद नहीं, तो फिर आपने कैसे अप्रोच किया उसको? आई गेस इंग्लिश इज वन थिंग जिसमें बहुत नेग्लेक्टेड सब्जेक्ट है. हर एक आप टॉपर्स टू टॉपर्स से पूछ लो, आई गॉट अ 98% इन माय क्लास 12, बट मैंने इंग्लिश वाला सब्जेक्ट जो मैंने बिल्कुल एंड में जनवरी में उठाया था कि अब तो सारा सिलेबस हो गया बाकी सबका, अब इंग्लिश उठा के पढ़ना शुरू हुए रहेंगे. बट इंग्लिश इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट्स जो आपको सीयूईटी में एक बहुत अच्छा रैंक देगा और आपके लिए कंपलसरी सब्जेक्ट है. और एट अ मोमेंट आप स्टिल आके बोल सकते हो मेरा जीटी में स्कोर अच्छा चला गया तो मैं अकाउंट्स ना कंसिडर करके आई कैन स्टिल मेक इट टू अ गुड कॉलेज बिकॉज ऑफ दिस सब्जेक्ट. इंग्लिश नहीं छोड़ सकते आप, लैंग्वेज तो मेन है. तो वन थिंग दैट यू डू स्टार्ट विद इंग्लिश इज रेफर 2 books, वेरन मार्टिन एंड वर्ड पार मेड इजी. दीज आर द 2 major books जो हर स्टूडेंट को रेफर करनी चाहिए. एंड वर्ड पार मेड इजी से ऐसी सीधे सीधे क्वेश्चन आते हुए इन मेरे सीयूईटी. अगर मेरे पास मेरे खुद के एग्जाम में इफ आई एनालाइज देर 4 or 5 questions फ्रॉम वोकैब, डायरेक्ट वर्ड पार मेड इजी से, कुछ अलग नहीं था उनमें. सो इफ यू आर 45 days, रोज के 2-3 पेज भी पढ़ लो, यू आर गुड टू गो फॉर योर वोकैब सेक्शन एंड एवरीथिंग. देन कमिंग टू द सेक्शन जो हम बहुत ज्यादा निग्लेक्ट करके चलते हैं एंड जहाँ पे सबसे ज्यादा इशू भी आता है, इज
कॉम्प्रिहेंशन पार्ट, बिकॉज हम लोग इतनी ज्यादा बुक रीडिंग की आदत में होते नहीं है, हमारा रीडिंग स्पीड इज वेरी लेस. एट एंड ऑफ द टाइम पे हम छोड़ देंगे फिर पैसेज को कि ओके हमसे तो हो नहीं रहा, टाइम ही नहीं बचा. वन इज एक दो अनसीन पैसेज इज डेली के प्रैक्टिस. इफ यू आर 45 डेज अभी अपने पास, if you are practicing two passages daily, let's say practice one passage in the morning, one in the evening, you can practice 90 good passages till the end and prefer practicing passages from different domains. Because if a person like me likes sci-fi passages more, there can be another person who likes psychology passages more or who likes fiction more. तो वो अलग अलग डोमेन जब आपके पास आता है, हर डोमेन का नहीं होता कि आपको हर डोमेन का पैसेज एक ही बार में पढ़ के समझ आ जाएगा. अलग अलग पैसेजेस प्रैक्टिस करो. अगर आप मॉर्निंग में फिक्शन रिलेटेड पैसेज प्रैक्टिस कर रहे हो, गो अबाउट एंड प्रैक्टिस अ साइंस पैसेज इन द इवनिंग, अ हिस्ट्री पैसेज नेक्स्ट डे, ताकि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ पता लग जाए, अपनी वीकनेस पता लग जाए. अनदर थिंग इज थोड़ा सा रीडिंग स्पीड पर वर्क ऑन करना शुरू करो, बिकॉज एंड ऑफ द डे यू आर गोना हैव 3 to 4 पैसेजेस इन योर सीयूटी का एग्जाम, एंड उसको रीड करना, उसको कॉम्प्रिहेंड करना कैन बी ईजी फॉर योर शिफ्ट. Cannot be. You cannot never ever predict this. So एक बार वो चीज़ पे देख के चलो. Then come to the very basics. जो 7th-8th की ग्रामर की बुक्स होती थी ना, उनको उठाओ और दोबारा से वो रूल्स रिवाइज करो. Don't keep yourself कि हाँ मैंने तो 10th तक पढ़ रखा, मुझे सब याद है. नहीं होगा याद. Reported speech, active passive, इन टेंसेस तक के रूल्स भूल जाते हैं हम लोग 11th-12th के, वो 2 साल के टाइम. उनको उठाओ, दोबारा से वो रूल्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो. उसके कुछ क्वेश्चंस अपनी वो स्टैंडर्ड जो बुक्स चलती थी 7th-8th तक, बीबीसी थी, व्हाटएवर आप जो फॉलो कर रहे थे, उसको रेफर करो, उससे एक बार दोबारा देख लो. वंस यू आर डन विद वेरी बेसिक थिंग्स, कम बैक टू मॉक्स एंड रिपीट दैट साइकिल अगेन. करेक्ट करेक्ट. तो दो बुक्स मेजर रिद्धिमा ने सजेस्ट किए, वर्ड पावर मेड इजी, जो कि मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि वोकैबुलरी का ग्रंथ अगर कोई है तो वो सिर्फ एक यही बुक है. Exactly. आपकी ग्रामर के लिए रन एंड मार्टन, जो कि अमेजिंग बुक है, बहुत अमेजिंग बुक. तो अपार्ट फ्रॉम दिस, कुछ रिद्धिमा आप कोई भी टिप आप शेयर करना चाहो बच्चों के साथ कि भाई आगे 40-45 डेज एटलीस्ट ये जरूर फॉलो अप कीजिएगा. आई थिंक सीवीटी के दो स्टैंडर्ड टाइम स्लॉट्स होते हैं. वन इज इन द मॉर्निंग शिफ्ट, जो हम लोग का 8:30 to 12:30 का शिफ्ट आता था, एंड वन इज 3:30 to 5:30. एक बार दोबारा सीवीटी पे चेक कर लो व्हाट्स दिस ईयर्स के स्टैंडर्ड शिफ्ट. उन शिफ्ट में बैठ के जरूर पेपर सॉल्व करो, उन शिफ्ट में बैठ के जरूर पढ़ो, चाहे अभी पेपर नहीं सॉल्व कर रहे हो तो. गुड टू गो फॉर दैट. सेकेंड थिंग इज इन द अर्ज टू कम्प्लीट एवरी सिंगल थिंग, प्रेफर कम्प्लीटिंग द थिंग्स जो आपको बहुत अच्छे से आती है. आप 100% सिलेबस कम्प्लीट करके 200 स्कोर शायद नहीं लाओगे, जितना आप 90% सिलेबस कम्प्लीट करके ला सकते हो. एंड ऑफ द डे आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस करने हैं. करेक्ट करेक्ट. तो अगर आपको लग रहा है एक चैप्टर मेरे से नहीं हो रहा, छोड़ दो उसको अभी के लिए, बाकी सिलेबस को उसकी कॉस्ट पे मत करो बैठ के. सेकेंडली फिगर आउट बहुत ज्यादा वेटेज वाले चैप्टर्स कौन से आ रहे हैं एंट्रेंसेज में. बहुत सारे मैथ्स, अकाउंट्स, में ऐसे फॉर्मुलाज या क्वेश्चंस होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं. एंड ऑफ द डे एनटीए क्या ही करेगा, डिजिट्स चेंज कर देगा उठा के, क्वेश्चन तो उसी चीज के आसपास रिवॉल्व करेगा. सो वो चीजों को एक बार उसके शॉर्ट नोट्स बनाते थे, बिकॉज जब आपका एग्जाम आएगा ना, एग्जाम कैसे आता है कि आज एक पेपर है, 2 दिन बाद अगले 3 सब्जेक्ट्स का पेपर हो गया. इफ यू आर फिल्ड फॉर, मेरा जैसे एग्जाम आया था, आज मैथ्स का पेपर है, कल इंग्लिश और मेरा फाइनेंस दिया था मैंने, उसका पेपर है, और उसके 2 दिन बाद मेरे 3 बीएससी अकाउंट ईको के पेपर है. इतने शॉर्ट टाइम में आप कैसे रिवाइज करोगे? थोड़ा सा अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके चलो, ताकि अगर 2 दिन का गैप है उसमें आपको माइंड रिफ्रेश भी करना है, क्योंकि आप एक पेपर दे के आए हो. हो सकता है आपको उतना अच्छा नहीं गया, हो सकता है आपको उतना अच्छा गया, उससे आपको रिकवर करना है, रेस्ट करना है, एंड देन बैक टू 3 सब्जेक्ट का रिविजन करके आना है आपको. तो उस चीज के लिए माइंड को प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है उतने शॉर्ट टर्म पे. करेक्ट यार. और मतलब काफ़ी सारे इंसाइट्स जो है वो भी रिद्धिमा ने हमें दिए, काफ़ी सारी टिप्स जो है वो शेयर की है. और इनफैक्ट मुझे लगता है अभी बच्चा जब इस पॉडकास्ट को सुनेगा रिद्धिमा, दे आर रियली गोइंग टू अप्रिशिएट यू. मतलब मेरा अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट पॉडकास्ट जो है वो रहा है आपके साथ, और बहुत ही डिटेल्ड जो है बात आपने बच्चों के लिए कही है. काफ़ी डिटेल्ड जो बुक्स हैं, बुक आपने रेफर किए हैं, जो टिप्स आपने शेयर किए वो बहुत हेल्प करने वाली है, और ये एक्चुअल में स्टूडेंट के साथ होती है. और मेरा ये पॉडकास्ट करने का मोटिव सिर्फ यही है, क्योंकि आप जस्ट उस अभी फेज से निकले हो, तो आपको पता है कि भाई एज अ स्टूडेंट जो है वो क्या हमें जो है फेस करना होता है.
एज अ स्टूडेंट वाली फीलिंग जो जब आप शेयर करते हो अपनी वाला टाइम जो है, तो बच्चा बहुत रिलेट करता है उससे, क्योंकि जब हमारे टाइम पे चीजें थी वो 7-8 साल पहले वाला टाइम था, राइट? उसके टाइम पे हालांकि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों के टच में हैं, बट स्टिल वी आर नॉट अ स्टूडेंट. वो गैप जो है ना, वो एक स्टूडेंट ही फिल कर सकता है, ठीक है? तो ये एक मेजर रीजन है मेरा ये पॉडकास्ट जो है सब करने का. अगेन रिद्धिमा, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड फॉर योर टाइम यार. और बाकी मैं तो हमारे ऑडियंस को बोलूंगा कि एक बार कमेंट सेक्शन में रिद्धिमा ओपी जरूर लिख दे, क्योंकि मुझे पर्सनली जो है वो बहुत अच्छा रहा है ये पॉडकास्ट मेरे लिए. थैंक यू सो मच रिद्धिमा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ओवर हियर. थैंक यू, ओके, बाय बाय.